दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अदालत में दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। इसके लिए पहले केजरीवाल और सिसोदिया ने विजेंद्र गुप्ता पर आप प्रमुख की हत्या की साजिश रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रो पोलिटियन मजिस्ट्रेट समर विशाल सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। सलमान खान की फिल्म ने एक बार फिर धमाल किया है। लगातार ईद पर रिलीज हो रही फिल्मों की सीरीज में सलमान की नई फिल्म भारत ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछली फिल्मों की फर्स्ट डे की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फिल्म भारत ने ओपनिंग डे पर करीब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। यह फिल्म अपने ओपनिंग पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सलमान की यह सबसे अधिक ओपनिंग वाली टॉप फिल्म बन चुकी है। और खबर मेरठ से, मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने सरयाम बेटी की पिटाई कर दी। अपनी पिटाई से आहत बेटी मंचलों से भिड़ गई और उसने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद आक्रोशित लोग लड़की की पिटाई करता रहा और उसके हाथ पकड़े रहा। तमाशबीन लोग केवल तमाशा देखते रहे। अकेली बेटी बदमाशों से जूझती रही। ये मामला मेरठ के सैन्य इलाके गांधीबाग का। मुजफ्फरनगर में नौकरी करने वाली ये बेटी बस से उतरने के बाद अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी और तेज गर्मी के चलते सड़क के किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गई थी। बाइक पर गुजर रहे लाल कुर्ती निवासी गगन सरदार ने बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका बेटी ने विरोध किया। इसके बाद उसने पिटाई कर दी। तो आधे घंटे तक बेटी ने पुलिस के आने का इंतजार किया और फिर पुलिस के हाथ सौंप दिया। मेरठ के लाल कुर्ती थाने लेकर पुलिस ने मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के नेता और आवारा लड़कों के परिजन देर रात तक पीड़ित लड़की पर समझौता करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन लड़की राजी नहीं हुई। नहीं दूंगी चाबी दे। मैं चाबी नहीं दूंगी। हम गली कुत्ते हैं। मैं चाबी नहीं दूंगी। चाबी दे। मैं मर भी जाऊं मैं तब भी चाबी नहीं दूंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला